Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Zeba Khan Malik Family Vlog। तो guys कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग सब बताने वाली हूँ, 8 साल पुरानी बात। जी हाँ, 8 साल पुरानी बात बताने जा रही हूँ। तो देखिए आप आगे वीडियो में। दावर का बर्थडे आ रहा है, दावर को बहुत सारे गिफ्ट चाहिए है। दावर क्या क्या चाहिए सोना को? रिमोट कंट्रोल कार जो रोबोट भी बन जाती है, और वो वाला स्कूटर जो एक पैर ऊपर रख के और एक पैर नीचे रख के चलाते हैं, और वो वाली कार जो दीवार पे चल जाती है। ए, मैं कहाँ से लाऊं ये सब टॉयज ढूंढ के? और क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे ना कि मम्मा जो अब्बी के लिए इतने सारे टॉयज लेकर आई थी, तो दावर ने मुझसे बहुत ही वैसे करके बोला है, मतलब आंखों में आंसू आ गए थे, इतने मोटे मोटे आंसू, कि मम्मा मुझे भी ना वही सब कुछ चाहिए जो मैं अब्बी के लिए लेकर आई हूँ ना, वो सब कुछ इन्हें भी चाहिए। मतलब ये अब्बी हुए 1 ईयर के और माशाल्लाह से दब्बू हो गए हैं, होने वाले हैं मतलब 5 ईयर के। तो लेकिन मेरा बच्चा इतना क्यूट है ना, इसकी शक्ल इतनी मासूम है कि इसने क्या नाम है अपने पापा को बोला कि पापा मुझे वो सब कुछ चाहिए जो आप अब्बी के लिए लेकर आए थे। तो उनका तो एकदम से ऐसा हो गया कलेजा कि नहीं जेबा, एक एक चीज लेकर आऊंगा मैं अपने बच्चे के लिए, वैसी ही चीज लेकर आऊंगा और बल्कि एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा। तो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर पापा ने बोल तो दिया तुमसे कि सारी चीज लेकर आएंगे तुम्हारे लिए, बताओ। अरे खुश हो जाओ बच्चे, खुश हो जाओ। सब चीज लेकर आएंगे इसका मतलब ये है कि तुम खुश हो जाओ बहुत ज्यादा, ठीक है सोना? दीवार पे चलने वाली कार चाहिए इनको, रोबोट वाली कार चाहिए, और एक पैर स्कूटर के ऊपर और एक पैर नीचे वाली साइकिल चाहिए, और क्या चाहिए? मतलब फुल मूड है पापा और मम्मा को बर्बाद करने का। ये बर्थडे क्या आ रहा है, मतलब यब्बी का बर्थडे बड़ा महंगा पड़ जाएगा मुझे, कि मुझे सेम डबल डबल टॉयज लेने पड़ जाएंगे, क्योंकि या तो मुझे जब ही ले लेने चाहिए थे, क्योंकि इतनी गर्मी में मार्केट में जाना मतलब बहुत ही खतरनाक मामला हो गया था उस दिन भी, कि गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। और हमेशा से मैं मार्केट में यही करती हूँ कि मार्केट जाऊं, मैं रिक्शा से जाऊं या मैं दानिश के साथ, ज्यादातर दानिश के साथ ही जाती हूँ, तो रिक्शा से या गाड़ी से उतरते के साथ सबसे पहले मेरे हाथ में पानी की बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक हो जाती है, क्योंकि बगैर कुछ लिक्विड पिए बगैर मैं तो चल ही नहीं सकती मार्केट में। तो सोना मम्मा पापा जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? ठीक है, लेकिन जब तक ना बहुत अच्छे से रहना, सारा काम कंप्लीट करना अच्छे से करके। और ये क्या कर रखा है बालों में? ये देखो जरा इस बच्चे की हरकत। दिखाओ दिखाओ, उल्टे हो जाओ ऐसे करके। ये देखो इस बच्चे ने चुटिया बांध रखी है अपनी। किसने बांधी है? तैया ने बांधी है। तो ये अपनी खाला को खाला तो नहीं कहते हैं, ये दोनों का नाम लेते हैं, दो खाला है दोनों का नाम लेते हैं। तो उनका नाम है रुकैया और ये बोलते हैं तैया, और जो मुझसे छोटी हैं हम उन्हें प्यार में छोटी बोलते हैं, तो ये सब दोनों बोलते हैं उन्हें तूती। तो तूती और तैया ये दो इनकी खाला है ना, दो ही खाला है ना सोना, है ना? तो ये तैया ने करा काम, अब तैया पिटेंगी मम्मा से, अब मम्मा ना पीट देंगी तैया को, सही है? पिटवाओगे तैया को? प्यार करते हो तैया से? चलो तो कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप छोटे साहब? माशाल्लाह से जैन की डाल निकल गई है और हमें पता ही नहीं चला, ये घर ही घर में बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, हम कहीं बाहर घूमने ही नहीं जा रहे है ना, बच्चों की सारी छुट्टियां भी ऐसे ही निकल जाएंगी कि कभी एक बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, कभी दूसरे की हो रही है, कभी तीसरे की हो रही है, बस जिंदगी इसी सब में जा रही है। हाँ भाई सोना, क्या कह रहे थे बता दो, क्या कह रहे थे बता?
हाँ पता नहीं ये और जैद माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। शोना हुआ नहीं आपका काम अभी? अभी तो थोड़ा सा थोड़ा सा हुआ है अभी बस, तो बस ये जल्दी क्वेश्चन अच्छा जल्दी जल्दी से फिनिश करो शोना, थोड़ा सा ना अपने हाथ की स्पीड तेज करो। आजा आजा कबूतर को बुला रहे हो, ओली मिलो बच्चा। कैसे बुलाते हो कबूतर को, बुला के दिखाओ। बूतर आ जाओ, विंडो पे बूतर आता है ना हमारी। अरे विंडो पे जा रहे हैं वो अपने, वहां पे विंडो। आ जाओ आओ जल्दी से आ जाओ। कैसे बुलाते हो बूतर को, बुला के दिखाओ। ऐसे बुलाते हो, अरे माशाल्लाह मेरा बच्चा। हाय ये देखो जरा इनको, इनकी हरकतें देखो। बैठ जाओ शोना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। डब्बू आप हट जाओ शोना, बैठने दो उनको। नहीं बैठना नहीं, तो सारा दिन बस इसी सब में लगी रहती हूँ। तो गाइस दावर से बहुत हुई बातें, क्योंकि दावर की बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। माशाल्लाह से बहुत बोलते हैं, और अब बर्थडे आ रहा है ना, तो फरमाइशें रोज अलग हो रही हैं। रात को सोते हैं कुछ मांग के, और सुबह उठ के कुछ नया थोड़े दिमाग में ले आते हैं कि मम्मा मैं वो रात बताना भूल गया था, तो मुझे वो भी चाहिए। आज के व्लॉग की जो खास बात है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं आज आपको दिखाऊंगी जैद के टॉयज। जी हाँ, जैद के टॉयज। माशाल्लाह से जैद 9 ईयर के होने वाले हैं, और जब वो हुए थे 1 ईयर के तो उनके पास इतने टॉयज आए थे कि पूरा बेड भर गया था, और बेड के नीचे वाला भी जो कमरे का एरिया था वो भी पूरा भर गया था। माशाल्लाह से बहुत सारे टॉयज आए थे। अभी तक जितने भी घर में बच्चे हैं माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा टॉयज जैद के ही आए थे, और जैद का बर्थडे बहुत अच्छा से सेलिब्रेट किया था हमने। तो मैं आपको दिखाऊंगी 1 ईयर के हुए थे जैद, तो 9 ईयर के होने वाले, मतलब 8 साल पुराने टॉयज दिखाने जा रही हूँ मैं आपको, जो कि हैं यहाँ मेरे बराबर में। और अच्छा वहां पर लगा दिए, मुझे लग रहा था मेरे पास लगे, लेकिन छोटी वाली सिस्टर आई हुई है, वो काफी सपोर्टिंग है, तो इस चीज में उन्होंने बोला कि मैं लगा देती हूँ पहले इसको। तो जैसे कि गाइज आप ये देख रहे हैं, ये ड्रैगन, ये रेडियम वाले हैं जो रात में जलते हैं, तो ये भी जैद के बर्थडे के हैं। और अभी तक इतना अच्छा था ये टॉयज का, इसका ये जो भी ये रबड़ सिलिकॉन है पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत अच्छा मटेरियल था इसका। और हमारी ये वाली गाड़ी ये गाड़ी अभी तक कई आ चुकी है, लेकिन ये जैद वाली सबसे पुरानी और बहुत अच्छे से चल रही है। और सेकेंड हमारी काफी फेमस काओ, जो कि बहुत मिलती है मार्केट में, लेकिन जब ये आई थी जैद के लिए तो बहुत नई थी। और अब इसके सारे म्यूजिक भी बंद हो चुके हैं, किसी में भी कोई आवाज नहीं आती इसके अंदर। और इसका एक और भी था यहाँ पे, शायद भेड़ था यहाँ पे, वो अंदर चला गया, वो निकल भी नहीं रहा। लेकिन इसमें जितने भी ये कैरेक्टर बने हुए हैं इस पे, तो इसमें से हम जिसको भी प्रेस करते थे उसमें से उसी का साउंड आता था, तो काफी इंटरेस्टिंग था ये बच्चों के हिसाब से। और दिखाना बेटा, और जैसे कि आप ये देख रहे हैं फैंसी टॉयज जो होते हैं बच्चों के, जो टूटते भी नहीं है आसानी से, और जो कि इतनी क्यूट है ये गाड़ियां, ये बस ऐसा दिल करता है इन्हें देख के खा जाओ बस। और ये सब खराब हो चुकी है, ये अब चलती भी नहीं है। और इधर लगी हुए हैं, ये भी जैद के ही हैं, ये ट्रेन है, पूरा का पूरा सेट है इसका, क्या नाम है, इसमें 4 डब्बों का सेट है इसका ये पूरा। और ये आज भी चालू है, क्योंकि हमेशा जो भी हमारे टॉयज होते हैं जिसमें बैटरीज लगती हैं, सेल लगते हैं, तो हमेशा हमें अपना टॉयज अगर रखना है उठा के, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें उसमें से बैटरी निकाल कर रखना चाहिए, उससे टॉयज की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। तो और अब बारी है हमारे, जब हमने क्या नाम है जैद का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो बहुत सारे बच्चों को बुलाया था, तो उन बच्चों को हमें रिटर्न गिफ्ट देना था, तो वो रिटर्न गिफ्ट थे हमारे ये टेडीज, जो कि आप देख रहे हैं कि ये जब इतने सारे लिए थे और ये सब बचे हुए थे, तो जो
जैद का पहले जब छोटे थे जैद तो अलग रूम था इनका, तो मैंने उस रूम में पीछे वॉल पे ये सारे टेडीज से पूरा वॉल भर रखा था, तो अब वो सब उतार लिए और अब ये सब ऐसे हो रहा है, इनकी शक्ल भी ऐसी हो रही है। तो जैद के टॉयज देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि ये है टॉयज, अब इनमें आवाज भी नहीं आ रही, पहले इनमें आवाज आती थी। और ये रोबोट था और बहुत ही अच्छा रोबोट था, ये लाइटिंग और डांसिंग दोनों होती थी इसके अंदर, लेकिन अब इसको कोई कह नहीं सकता कि ये रोबोट का बीच वाला पार्ट है, इसके नीचे वाला भी गया और इसकी गर्दन पता नहीं कहाँ चली गई। सेकंड एक ये है स्पाइडरमैन, ये बाइक पे बैठे हुए थे लेकिन इनका पोज ऐसे ही रह गया और इनकी बाइक पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन इनका पोज काफी अच्छा था जो इतना लंबा टाइम चल गया, और आज भी इनसे दावर खेलते हैं माशाल्लाह से। और ये बॉल ये बॉल भी जबी की है, जब हम छोटे से जैद को इंडिया गेट लेकर गए थे, मतलब काफी साल पुरानी बात हो गई, एक साल के तो बात की बात है, ये बर्थडे की नहीं है, ऐसी थे जैद इसमें 1.5-2 साल के थे जब मैं इंडिया गेट लेके गई थी, और ये जब ली थी खेलने लायक भी नहीं थे, लेकिन नया नया बच्चा था तो हम भी पागल हो रहे थे, हमने इतनी बड़ी बॉल लेके दे दी उस बच्चे को, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि इस बॉल से करना है क्या है। तो ये बॉल भी जबी की है और आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ, मैंने कई बार इसको ऐसे ऐसे करके कसके से दबाया लेकिन ये फटती ही नहीं है, बड़ी ही मजबूत है जो बात है। तो मैं जैद से पूछूंगी कि जैद को कैसा लग रहा है अपने टॉयज देख के। शोना की सबसे प्यारी ट्रेन है ये, जो कि इस बच्चे ने ना दावर नहीं दबाना, दावर दबा जल्दी से। इस बच्चे ने ना मेरे बच्चे को कभी खेलने नहीं दिया, तो जैद ने कभी इस डर में ना कि ये ट्रेन खराब ना हो जाए, मेरा बच्चा बहुत कम खेला है, इससे ज्यादा नहीं खेला, क्योंकि इसने कभी खेलने ही नहीं दिया है ना, और अब इतने टॉयज चाहिए है ना, अब इतने टॉयज की फरमाइश हो रही है। इधर देखो कैमरे में देखो, ये इसकी क्यूटनेस वाली हंसी देखो, है ना क्यूट हो तुम, कौन कह रहा है। चलो हटो, अभी मैं जैद भाई से बात कर रही हूँ, हट जाओ जल्दी, शाबाश। हाँ, तो जैद अपना दिखा रहे हैं सबसे फेवरेट टॉय, जो कि जैद ने जरा भी एंजॉय नहीं करा, उसके पीछे का ही है तेल वाला और इसका ये पत्थर कोयले वाला। हाँ, इसमें कोयले होते हैं। ये इसकी ये गोल गोल घूमती है पटरियाँ, और इसके खास निकलता है धुआं भी निकलता है, इसमें से धुआं निकलता है लाइव, मतलब असली में निकलता है, लेकिन पता नहीं वो कैसे निकलता है। ट्रेन अच्छी लगती है और जैद को भी बहुत पसंद है ट्रेन, क्योंकि कभी बैठे नहीं जैद क्या नहीं बैठे, जैद की मम्मा भी कभी नहीं बैठी ट्रेन में, कभी मैंने वो सफर नहीं करा कि मैं ट्रेन में बैठूं, तो मेरा एक अरमान भी है कि मुझे ट्रेन में बैठना है, और इंशाल्लाह दानिश कह रहे हैं कि वो मुझे सिर्फ ट्रेन की वजह से ही कि मैं ट्रेन का सफर करूं, तो इसलिए उन्होंने मुझसे बोला है कि हम कहीं जाएंगे ऐसी जगह पे जहां पे हम ट्रेन से जाएंगे इंशाल्लाह। तो जैद कैसा लग रहा है शोना आपको अपने टॉयज देख के, पुराने टॉयज निकल गए? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है शोना को, देखो अपने ये टॉयज और ये कैसे बजाते थे आप। ऐसे करके जब इसे मन भर जाता तो इसे दबाता था, इसे और इसे दबाने में एक आवाज नहीं। हाँ, इसमें से काऊ की आवाज आती थी बहुत तेज, ये बच्चे के रोने की आवाज, ये मेंढक के चिल्लाने की, डक के चिल्लाने की, डक के चिल्लाने की। सबसे अच्छा मुझे एक चीज लगता था, वही डक वाला, डक का साउंड सबसे बेस्ट था। यहाँ और यहाँ लाइट भी होती थी है ना, यहाँ यहाँ इसके लाइट, जो की खेल रहे हैं अपनी खाला के साथ। अभी ये कैसे खेल रहे हो शोना, आओ इधर आओ, अल्ली अल्ली अल्ली, आ जाओ मम्मा के पास, अल्ली। सारी क्यूटनेस हदे हो रही है पार, है ना। धक्के, ये धक्के क्या होता है, क्या होता है ये? तो आज बच्चों के टॉयज निकाले पुराने जैद के, तो जैद बहुत खुश हो गए माशाल्लाह से। इसमें बैटरी होती ना तो फिर ये कभी भी नहीं चल पाती, धुआं मैंने निकलते हुए देखा है। इसकी ये कैच होती थी वाला। वैसे मैं बता दूं कि ये ट्रेन दो थी, जो एक ट्रेन है वो खराब हो गई तो वो मैंने फेंक दी है, और ये वाली जो है ये अच्छी थी, थोड़ी सी क्वालिटी में भी अच्छी थी, लेकिन उसमें डब्बे ज्यादा थे, जो दूसरी वाली थी तो वो मैंने फेंक दी, छोटी वाली
छोटी वाली सिस्टर है बहुत बदतमीजी कर रही है, मुझे शूट नहीं करने दे रही है। तो हमारे घर में मतलब बच्चे छोटे हों या बड़े, कमी नहीं है लगे शुगर से, बहुत ही बदतमीज बच्चे हैं जो बात है। बस मेरे ही बच्चे अच्छे, अम्मी पापा के बच्चे बदतमीज। मैं भी बदतमीज हूँ और तू भी बदतमीज है, मान जा बदतमीज ही नहीं कर क्या। हाँ ये रिटर्न गिफ्ट था ये, और ये रिटर्न गिफ्ट की नोज आईज ये सब कहाँ चलेगा, और यहाँ पे एक हार्ट भी चिपका हुआ था, बड़े ही क्यूट लग रहे थे उस टाइम पे। चलो शोना जो मम्मा मेरे गिफ्ट पे लाई थी, मम्मा उसे बहुत प्यार करती है। आप देख सकते हैं ये मेरी खाला है, इनमें सारे टॉयज, और ये नए नए टॉयज, नए नए जो टॉयज है ना वो डब्बू के टॉयज हैं वो सारे के सारे। तो जैद मुझसे अपने बर्थडे पे कभी भी कोई टॉयज नहीं मांगते, मेरा बच्चा इतना सबर वाला है ना कि वो मुझसे क्या नाम है खुद ही कह देते हैं कि क्या नाम है, मम्मा जो आपका दिल करे आप वो लेकर आ जाना, है ना शोना। ओके हेल्प हेल्प तैयार की हेल्प कर दो चलो। और ये है दावर, इधर आओ शोना चलो। अच्छा बस 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 बैठो दावर, बस बैठो बैठो इधर बैठो जल्दी से। अच्छा बताओ कुछ बोलो, मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं ना उसमें सब ये बोलते हैं कि जो दावर हैं वो इतने प्यारे से बच्चे हैं, तो कुछ बोलो अपने व्यूवर्स को बोलो कुछ। गाइस दब्बू आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं, तो दावर क्या कहना चाहते हो आप शोना? यार तो बस कम बैक गेम की वीडियो, तो यार आज हम खेलेंगे जैसा आपको याद ही होगा कि पिछली वीडियो में ड्राइवर और फ्रैंकलिन को अंडरवाटर माफिया ने पकड़ लिया था, तो आज हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज मैं रूम से बाहर आ गई हूँ और मैं आपको ये दिखाने के लिए आई हूँ कि मौसम बहुत ही ऑसम हो रहा है और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, देख सकते हैं आप, लेकिन रात हो रही है तो कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन काफी अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का। लेकिन इस टाइम हवा नहीं चल रही, तो इतनी देर से हवा चल रही थी तो मैंने विंडो भी बंद कर रखी थी। लेकिन इस टाइम मतलब एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है इस टाइम, तो शायद अभी इसी वक्त हवा बंद हो गई शायद कि मेरे शूट में ना आ जाए, वरना इतनी देर से मेरे ये पर्दे इतनी बुरी तरीके से हिल रहे थे ना। और ये हमारी है लाडली बास्केट, जो कि बस एक ही बार यूज हुई है, हाँ बस एक ही बार, और ज्यादा यूज नहीं हुई है ये, क्योंकि दानिश सब कुछ खुद ही लेकर आ जाते हैं, वो मुझे बड़ा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। मैंने उनको बोला था कि आप मत लेकर आओ मैं खुद ले लूंगी, लेकिन मजाल ही कि लड़का सुन ले मेरी कोई भी बात। ब्लॉग बना लो, कैसे ऐसे मार नहीं दे रहा। तो गाइज मैं बना रही हूँ खाना और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ चिकन का कीमा और हरी मिर्च, और मैं अभी आपको बताती हूँ अपनी रेसिपी। देखिए आप आगे, तो हमारा तेल गरम हो गया है और इसमें ज़ीरा भी भुन गया है, और अब मैं इसमें ये कीमा डाल दूँगी, चिकन का कीमा। तो गाइज मैंने तेल में कीमा डाल दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करूँगी इसके अंदर, और उसके बाद में मैं इसमें बाकी का सामान ऐड करूँगी। गाइज मैंने कीमे में हरी मिर्च डाल दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कीमे ने और ये हरी मिर्चों ने थोड़ा सा तेल के अंदर पानी कर दिया है, बाकी मैंने इसमें पानी डाला नहीं है और मैं डालूंगी भी नहीं। और अभी मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, ना ही कोई पेस्ट लहसुन अदरक का या कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना है, तो देखते रहिए आगे वीडियो। तो गाइज इस रेसिपी का सीक्रेट है ये चटनी, जो कि लहसुन की चटनी है, कीमा हरी मिर्च वो बनेगा इस चटनी में, वो मैं आपको दिखाती हूँ
कि मैं अभी इसमें और भी क्या ऐड करने वाली हूँ। मैंने इसमें लहसुन की चटनी ऐड कर दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया। बाकी का इसमें और कुछ भी नहीं डालेगा, सिर्फ नमक डाला है मैंने, और बाकी का इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पिसी हुई, वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं डलेंगी, सिर्फ ये इसी में ही बनकर रेडी हो जाएगा। और मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला है, जो चीज़ें मतलब जार में जो चटनी लगी रह गई थी, तो बस जार धोने वाला जो पानी था मैंने वही थोड़ा सा डाला है इसके अंदर। अदरवाइज मैं इसको ऐसे ही खोल के भूनती रहूंगी जब तक गोश्त सॉफ्ट नहीं हो जाएगा और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएंगी। बाकी की थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐसी ही रहेंगी इसमें, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। तो गाइज हमारा हरी मिर्च कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसमें कोई मसाला कोई कुछ भी नहीं डाला, ना ब्लैक पेपर ना गरम मसाला, कोई भी चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ ही लहसुन की चटनी में बना हुआ है। और इतना टेस्टी लग रहा है ना कि मेरे मुंह में पानी अभी भी आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका नमक चखा है और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है ये और बहुत ही टेस्टी हो रहा है। तो अब मैं इसका कैप वगैरह लगा देती हूँ ताकि इस पर अच्छे से तरी आ जाए। तो गाइस हमारा फाइनली खाना बनके बिल्कुल रेडी हो गया, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि अभी मैंने इसको कवर कर दिया है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, काफ़ी स्पाइसी लग रहा है। और अब मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत गर्मी, हालत खराब हो रही है गर्मी की वजह से। और मैंने बाल ओपन इसलिए कर रखे हैं क्योंकि मैं नहाई थी, तो ड्रायर मैंने कर लिया था लेकिन जैन रोने लगे थे, तो मेरे आधे बाल सूखे और आधे गीले हो रहे थे, तो इसलिए मैंने गीले बालों में मैं कभी भी रबर नहीं डालती। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। सुबह से गए हुए हैं दानिश फैक्ट्री और अभी तक आए नहीं हैं। सुबह 9 बजे गए थे और अभी तक नहीं आए, 9:30 बज गए रात के। बच्चे खा रहे हैं यहाँ पे वेफर्स, जैन भी बैठे हैं और ये दावर और जैद। मेरा बच्चा जैद आपसे कुछ कहना चाहता है, जैद बताओ क्या कहना चाहते हो। शोना गाइस आप मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से बहुत जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज बढ़ाइए, लाइक कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय। तो जैद आप सबको बोल रहे थे सेम मम्मा वाली बात, क्योंकि बच्चे मम्मा पापा को ही कॉपी करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए, और मैं भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।